हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अर्चना जैन और द क्वीन ऑफ किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे डेली का बहुत ही फेमस स्ट्रीट फूड जिसका नाम है दौलत की चाट, जिसे चांदनी चौक में केवल सर्दियों के 3 महीनों में ही खाने को मिलता है। तो एक बड़ी सी कढ़ाई में दूध को खौलाकर खुले आसमान के नीचे रख दिया जाता है। बाद में उसमें जो ओंस की बूंदे गिरती है तब इस मिठाई को बनाया जाता है, लेकिन हम इसे बिना ओंस की बूंदों के बनाएंगे। तो एकदम सिंपली तरीके से इसे कैसे बनाया जाता है आज हम देखेंगे। तो बनारस में इसे मलाइयो के नाम से जाना जाता है और लखनऊ में मलाई माखन के नाम से भी ये बहुत ही फेमस है। तो चलिए देखते हैं रेसिपी। लेकिन रेसिपी शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। साइड में जो बेल आइकॉन है उस पर भी आपको क्लिक करना है। तो चलिए शुरू करते हैं रेसिपी। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने डेली स्पेशल जो दौलत की चाट बनाकर तैयार की है, एकदम परफेक्टली बनकर तैयार है। और अगर आप भी इसे ट्राई करेंगे तो अपने हाथों से इसे बनाने का एक सुकून सा मिलेगा। और इसे खाने के लिए आपको ना ही तो दिल्ली जाने की ज़रूरत है, ना ही तो बनारस और लखनऊ। तो देखिए, दौलत की चाट बनाने के लिए हमने 1 लीटर दूध लिया है, जिसे मैंने पहले से ही गर्म करके रखा था और अब ये रूम टेम्परेचर पर आ गया है। तो हम इसमें ऐड करेंगे क्रीम ऑफ टार्टर। इसकी जगह आप खाने का सोडा भी इसमें ऐड कर सकती है। और अब हम इसे अच्छी तरह से मिला देंगे और इसी में हमने फ्रेश क्रीम भी ऐड करनी है। तो अब मैं इसमें ऐड करूंगी फ्रेश क्रीम और अब हमें इसे मिक्सअप करके ओवरनाइट फ्रिज में रखना है और इसके आगे की प्रोसीजर हम कल सुबह करेंगे। दौलत की चाट यानी कि बनारसी मलाइयों के लिए जो बाकी के इंग्रेडिएंट्स हैं वो भी हम देख लेंगे। तो दूध हमने जो रात में फ्रिज में रखा हुआ था, 1 लीटर दूध में हमने 1 टीस्पून टाटर मिक्स करके उसमें हमने 1/2 कप फ्रेश क्रीम भी यूज़ की थी। अब बाकी के इंग्रेडिएंट्स हमें चाहिए आइसिंग शुगर। इसमें हमें नॉर्मल चीनी नहीं लेनी है, आइसिंग शुगर या फिर कैस्टर शुगर का ही इसमें यूज़ करना है। और ये हमने थोड़ा सा मावा ग्रेट करके लिया हुआ है। सैफ्रॉन चाहिए हमें, थोड़ी सी कार्डिमम जिसे मैंने क्रश कर लिया है और कुछ पिस्ता। एक ब्लेंडर चाहिए हमें इसके लिए, जिसमें मैंने जो 2 ब्लेंडर के अटैचमेंट होते हैं तो एक मैंने निकाल दिया है और एक का ही यूज करेंगे। और अब हम एक बाउल में थोड़ा सा मिल्क ऐड कर लेते हैं क्योंकि हमें इसमें सैफ्रॉन को भिगो कर रखना है। सैफ्रॉन के कुछ थ्रेड्स डाल देते हैं ताकि इसे अच्छा सा कलर आ जाए। और अब इसे हम साइड में रख देंगे। अब हमने जो दूध लिया है इसमें से 1/2 लीटर दूध हम इस जार में निकाल लेंगे। तो पहले हम इसे अच्छी तरह से मिक्सअप करते हैं क्योंकि जो हमने क्रीम इसमें मिलाई थी तो वो फ्लोट होने लगे हैं। तो इसे मिक्सअप करके जार में निकालेंगे। और अब हमें इसे ब्लेंड करना है क्योंकि हमें इसका जो झाग होता है वही चाहिए। देखिए, अब इसमें से झाग निकला है तो उसे हम एक बाउल में निकालते जाएंगे। याद रहे इसमें दूध नहीं आना चाहिए, केवल झाग झाग ही हम इसमें निकालते जाएंगे और इस तरह से जब तक के बाउल पूरी ना भर जाए हम इसका झाग निकालते जाएंगे। इसे आप मिक्सी जार में भी बना सकते हैं, लेकिन मिक्सी जार में क्या होता है कि जार जो है गर्म हो जाती है तो मिल्क जो है हमारा गर्म होने की वजह से झाग नहीं निकलने पाता।
तो इसलिए हम इसे इसी ब्लेंडर से बनाएंगे, लेकिन मिक्सी जार में भी अगर आप कम स्पीड पर इसे बनाते जाएंगे तो उसमें भी दौलत की चाट बनकर तैयार हो सकती है। अब इसी प्रोसेस को रिपीट करते हुए हमें इसका जो फेना है उसे इसी तरह से निकालना है, और जब तक के हमारा बाउल भर नहीं जाता तब तक मैं अब ऐसे ही पूरा प्रोसेस रिपीट करके इसका फेना निकाल लूंगी। देखिए अब हमने इतना फेना निकाल लिया है, तो अब जो बचा हुआ दूध है उसे भी मिक्सी जार में डालते जाएंगे, और अब हम इसमें ऐड करेंगे जो सैफ्रॉन वाला दूध हमने लिया है उसे, और इसे इसमें ऐड कर देते हैं, और बिल्कुल हल्का सा एक पिंच कलर हम इसमें केसर येलो कलर इसमें ऐड करेंगे, इससे बहुत अच्छा लेयर दिखता है केसर येलो कलर का और व्हाइट फेने का। तो आपने देखा हुआ होगा कि जो दौलत की चाट होती है उस पर इस तरह की एक ऑरेंज लेयर भी रखती रहती है, तो बहुत ही ऑसम लगती है, दिखती है वो। तो अब हम इसे भी बिट करेंगे, तो इस तरह से अब मैं ये ऑरेंज वाला फेना भी निकाल लेती हूँ। फेना निकाल निकाल कर आखिर में थोड़ा सा जो दूध बच जाता है तो उसे हम वेस्ट नहीं करते, उसका आप मिल्क शेक भी बना सकते हैं। देखिए अब हम इसे एक बाउल में निकाल लेते हैं, और इसे मैं आपको सर्व करके दिखाती हूँ। इसके ऊपर डाल देते हैं थोड़ी सी इलायची, और ये चीनी है, चीनी हम एक साथ इसमें मिलाकर नहीं रखेंगे, नहीं तो चीनी मेल्ट हो जाने की वजह से इसमें पानी हो जाएगा, और थोड़ा सा ग्रेट किया हुआ मावा इस पर डाल देंगे, पिस्ता, थोड़ी सी सैफ्रॉन, इसे बढ़िया सा लुक देने के लिए हम थोड़ा सा चांदी का वर्क भी इसमें लगाएंगे, क्योंकि इसके बिना जो हमारी दौलत की चाट है वो अधूरी सी लगेगी। देखिए लग रहे हैं ना बिल्कुल वैसे ही जैसे कि दिल्ली के स्ट्रीट फूड वाले दौलत की चाट को सर्व करते हैं, तो इसे हमने बिल्कुल उसी तरह से डेकोरेट किया है। तो खाने के लिए परफेक्टली बनकर तैयार है मलाईयो, मलाई माखन या फिर दौलत की चाट, आप इसे जो भी कहे। इस रेसिपी को आप ज़रूर ज़रूर ट्राई करिए, और अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो मुझे ज़रूर कमेंट करिए, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही नई नई इंटरेस्टिंग रेसिपी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नई रेसिपी के साथ।